नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। आइए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबर। ललितपुर में हुई 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला कालपी से निकला। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी से निकला सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला। सपा कार्यकर्ताओं ने मंडी गेट के सामने किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले में 2 दर्जन के अधिक गाड़ियां मौजूद। ब्रजेश कुमार बादल, जगत न्यूज 24। जिंदाबाद।